सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट कल के लिए कैसे रहने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में चल रहे हलचल को समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन डेटा को देखना पड़ेगा, तो अभी हम उसी डेटा को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10,300 लेवल्स के ऊपर 75,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये अभी के लिए सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और अगर हम 10,000 लेवल्स के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे लगभग 2.27 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में ऐड हुए हैं, तो ये अक्टूबर एक्सपायरी के लिए अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। वैसे हम देखें तो कॉल साइड पे 10,400 लेवल्स के ऊपर 3.82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और 10,500 लेवल्स के ऊपर 2.84 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये दो लेवल्स पहला रेजिस्टेंस लेवल और 10,500 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल के रूप में देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं 24,500 लेवल्स पे 32,480 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में ऐड हुए हैं, जो कि इसके एक पहला सपोर्ट लेवल बन सकता है। वैसे ही अगर हम और नीचे जाएं तो 24,300 लेवल्स पे 65,120 पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये अभी के लिए दूसरा सपोर्ट लेवल के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो 24,700 लेवल्स पे वॉल्यूम में और ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, तो ये अभी के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है और इससे ज़्यादा ऊपर जाएं तो 24,800 लेवल्स के ऊपर वॉल्यूम में और ज़्यादा इजाफा हुआ है और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 96,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल के जैसे देखा जा सकता है। के ट्रेडिंग सेशन के दौरान इन सब स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिलीवरी देखा गया। इनमें से आप ITC और कोटक बैंक को अपने वॉचलिस्ट में शामिल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ITC अभी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं कोटक बैंक के बारे में, तो अभी कुछ दिनों से कोटक बैंक में डाउन ट्रेंड चल रहा था और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल देते हुए अप ट्रेंड में आना चालू किया है, तो आप इसको अपने वॉचलिस्ट में ज़रूर शामिल करके इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि आगे जाके इसमें ये रैली बनी रह सकती है। वैसे ही अगर हम लॉन्ग बिल्डअप के बारे में देखें तो इन सब स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है, और इनमें से आपको अदानी पोर्ट्स और कैनफिन होम को अपने वॉचलिस्ट में शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके ओपन इंटरेस्ट में और फ्यूचर प्राइस में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा सकता है, तो आगे जाके इनमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वैसे ही हम अगर शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक्स के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं जस्ट डायल में सबसे ज़्यादा 11% फ्यूचर प्राइस में गिरावट देखा जा सकता है, और वैसे ही इंडिगो में 7% और टाइटन में 8%, तो आप इन तीन स्टॉक्स को अपने वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा, तो आप आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप इनमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे YouTube हमारे वीडियो को आगे प्रमोट करेगा और हमारे चैनल के ग्रोथ में भी मददगार बनेगा।